आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे हैं शादी में, बस हम लोग तैयार हो गए हैं। अभी भाव्या के हेयर डिजाइन नहीं हुआ है और कुछ मेकअप शेकअप नहीं हुआ है। हिमादी को मैंने लगभग हल्की लिपस्टिक और बिंदी लगा दी है और भाभी भी देखिए तैयार हो गया है, इधर गर्ल भी तैयार हो गया है। अभी दिखाऊंगी, दिख नहीं रहा होगा। मैंने तो अपने आप ही हल्का फुल्का मेकअप करा है, मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ। इसकी मम्मी गई है पार्लर, देखते हैं कैसे तैयार होके आती हैं। तो बस मेरे हस्बैंड अभी तैयार नहीं हुए हैं और फिर जाते हैं जहाँ हमारी शादी हुई थी रुद्राक्ष में, वहीं पर ही शादी है, पास में ही है। बस थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर शेयर कर पाई तो वहाँ की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे डेकोरेशन वहाँ की हुई। तो चलिए फिर मिलते हैं मैरिज में। मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, गर और हिमाद्री। आज है दीक्षा दीदी की शादी, तो हिमाद्री ने पहना है लहंगा और गर ने पहना है सूट। अब इन दोनों को तैयार कर दिया और अब मैं तैयार होंगी। अभी होंगे पापा भी तैयार। हम लोग रुद्राक्ष में आ गए हैं। ये थोड़ा फ्रंट का लुक है रुद्राक्ष का। रेड लाइटिंग सी हो रही थी, इसे सब रेड रेड सा दिखाई दे रहा है। डेकोरेशन अच्छी थी, मुझे पसंद आई, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप्स ले लेती हूँ डेकोरेशन की भी। बहुत बड़ा तो नहीं है रुद्राक्ष, लेकिन फिर भी ठीक है। 3 फील्ड्स हैं, जो फ्रंट फील्ड है यहाँ पर स्नैक्स वगैरह रखे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, हेमा दीदी भी हैं, भैया हैं, और मैंने टिक्की वगैरह खाई यहाँ पर। स्नैक्स में टिक्की थी, बताशे थे और मूंग की दाल का चीला था, चाउमीन बच्चों के फेवरेट होते ही हैं, फ्रूट चाट थी और दही बड़े, दही भल्ला, दही पापड़ी, ये सब था। तो हम लोग खा रहे हैं, मेरे सास ससुर हैं वो लोग भी हैं, सब बातें बातें कर रहे हैं। इधर ये तीनों बच्चे खड़े हैं, हिमाद्री फिंगर चिप्स खा रही है, तो दीदी ने कहा थोड़ी सी इनकी क्लिपिंग ले लो, तो मैंने ले ली। इधर घर बैठ गया है चेयर में फिंगर चिप्स खाने के लिए। अब मैं रूम में आ गई हूँ जहाँ जयमाला होती है। ये रूम भी अच्छा है, महिला संगीत भी मोस्टली यहीं होते हैं। मेरा यहाँ की महिला संगीत हुआ था और शादी तो हुई थी, तो इसका ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा सा है। घर को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर काफ़ी समय बाद यहाँ आया है। तो मुझसे कह भी रहा था आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पर आपकी मैरिज हुई थी। मैंने कहा अच्छा लग रहा है जहाँ पर हमारी मैरिज हुई होती वो जगह लगती है अच्छी है। तो डीजे चल रहा था, सॉन्ग्स चल रहे थे, इस वजह से मैंने जो वॉल्यूम है वो साइलेंट कर दी है। अभी भीड़ कम है, बारात नहीं आई है, तो इसलिए खाली खाली सही लग रहा है। महिला संगीत में ही काफ़ी लोग आ गए थे। मैरिज में वैसे भी लोग अवॉइड करते हैं रात को आने में। इधर मिस्टर प्रदीप पंत भी कुछ खा रहे हैं। ये यहाँ की सेकंड फील्ड है, यहाँ पर खाना है। खाना भी अच्छा था, मशरूम, पालक पनीर, शाही पनीर, पाइनएप्पल रायता और काफ़ी डिशें थी, भरवा जो होती हैं, पराठे वगैरह, और सॉरी पराठे कह रही हूँ, भरवा सब्जियाँ थी, काफ़ी चीज़ें थी, मतलब पसंद लगा और टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये है पोर्शन जहाँ पर दुल्हन होगा, जब बारात आती है तो यहाँ पर मतलब जो दूल्हा होता है उसकी और पंडित जी की पूजा होती है और कुछ सामान वगैरह दिया जाता है। ये देखिए बारात आ चुकी है और खूब सारे क्रैकर्स क्रैक करे जा रहे हैं, काफ़ी देर तक क्रैक करते हैं। मैं लाइव भी गई थी, मैंने आपको लाइव दिखाया है यहाँ पर कि कितने सारा मतलब सारे क्रैकर्स क्रैक करे गए। रॉकेट बहुत अच्छे थे और अलग अलग टाइप के थे और शादी में बहुत गर्ल्स आई थी। बाराती बच्चे इतना डांस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए दुल्हन की जहाँ पर होना था वहाँ पर दूल्हे राजा आ गए हैं और उनकी पूजा पाठ शुरू हो गई।
मैं शादी में कुछ भी नहीं देख पाई, मेरे बच्चे रोने लगे, नींद आ रही, मुझे घर जाना पड़ा, ना मैं जयमाला देख पाई, ना मैंने फ़ोटोज खिंचवा पाई। उसके बाद ही मैं घर ही चली गई, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। तो मेरी हमेशा मोस्टली शादी ऐसी होती है, मैं कुछ भी अटेंड नहीं करवाती बच्चों के कारण। मैंने बच्चों से दिन में कहा भी सो जाओ, लेकिन वो लोग नहीं सोए। इधर ये फोटो सेशन चल रहा है वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों का, और ये हैं दूल्हा दुल्हन हमारी प्यारी दीक्षा और उसके हस्बैंड, दोनों ही बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जोड़ा है दोनों का। एक एक करके सब फोटो खिंचा रहे थे, लेकिन हम लोगों का नंबर बहुत लेट आता, तो इसलिए मैं घर चली गई, क्योंकि मोस्टली पहले ससुराल पक्ष के ही लोग ही फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा भैया, मेरा दीदी जी है जी, दीक्षा के मम्मी पापा हैं ये, उनके ही फ़ोटो पहले खींची, वीडियो बनी, तो फिर इन तक का मैंने ले लिया। और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। ये दीक्षा की जो बराबर बैठी हैं उसकी दादी हैं। बस मैं इतनी ही वीडियो बना पाई, इसके आगे मेरे पास कोई क्लिप्स नहीं है। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।